काफ़ी टाइम हो गया मैंने MIUI के थीम के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं करी, तो एक थीम हमारे पास अवेलेबल है और आप इसके सर्च बार के जो टेक्स्ट है उसे आइडिया लगा सकते हैं विच थीम इज दिस, और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थीम्स आउट देयर अगर हम MIUI की बात करें। आप देखिए आपको डायनामिक विजेट देखने को मिल रही है, स्टेटस बार के आइकन्स आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल रहे हैं, चाइनीज टेक्स्ट है बिकॉज चाइनीज थीम है, मेजर चेंजेस आपको कंट्रोल सेंटर में देखने को नहीं मिलेंगे। आप देखिए थोड़ी सी शेप में आपको चेंजेस ज़रूर देखने को मिल रहे हैं विच वॉज ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि MIUI 14 में ये थीम उतने अच्छे तरीके से कंपैटिबल नहीं है, बट इट्स गुड वन। अगर आप इसे यूज़ करेंगे आपको ये थीम बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर हम सेटिंग्स की UI की बात करेंगे तो थोड़ी सी मिलती जुलती सेटिंग्स UI है, अगर आप MIUI 14 यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल सी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी, कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। इस थीम में एक्चुअली में आपको जो आइकन पैक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, मुझे पर्सनली इसका आइकन पैक काफ़ी अच्छा लगा। सेकेंडली इसके जो आइकन्स है वो डायनामिक हैं, होम स्क्रीन में आपको डायनामिक थीमिंग देखने को मिलती है, आपके जो विजेट है वो भी डायनामिक है, सो दिस इज़ गुड, ये एक अच्छी चॉइस है इस थीम के बारे में। उसके अलावा इसकी लॉक स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में जो आपको ये क्लॉक देखने को मिल रही है सेंटर वाली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी UI के साथ आपको देखने को मिलेगी, वॉलपेपर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर आप इस पर कुछ भी करेंगे डबल टैप ये वो कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन स्वाइप करने पर आपको कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिल रहे हैं, लाइक म्यूजिक विजेट आपको देखने को मिल रहा है, स्टेप्स के रिलेटेड ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, थीम ये सब। एक्चुअली में ये एक चाइनीज थीम है तो अगर आप इसमें कुछ कस्टमाइजेशंस को इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर सकते अगर आपको चाइनीज नहीं आती है, और जो कि आई होप कि आपको नहीं आती होगी। अगर आपको इसमें और चीज़ें कस्टमाइज़ करनी है तो मैं इसका इंग्लिश वर्जन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जहाँ से आप इसका इंग्लिश वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसका जो नेम है वो है ग्रम्पी UI, और आप देखिए चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पर, लॉक स्क्रीन में सिर्फ देखने के लिए नहीं है, चीज़ें काम करती हैं। थीम में मुझे सिर्फ लॉक स्क्रीन और इसके आइकन पैक दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस थिंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया जिस थीम के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इसका नेम है ग्रम्पी UI, आप अपने थीम स्टोर में सर्च करेंगे ये थीम आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे तो इसका टेक्स्ट थोड़ा सा चाइनीज में देखने को मिल रहा है, इसका नेम ग्रम्पी UI आपको देखने को मिल जाएगा, लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और बस ये सप्ताह आज की इस छोटी सी वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये थीम अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन, अंटिल देन गुड बाय।